अभी हम आपको बताएं कि किसके घर बेटा होगा और किसके घर बेटी होगी, तो अभी ये हम आपको बताते चले। ठीक हो? अच्छा मेरी झोली में आ गया माशाल्लाह। वो कैमरा चला रहा है यार, कैमरा क्यों चला रहे हो यार? बेटी दे, और ऐशा वाले कह रहे थे हमें अल्लाह पाक बेटा दे, और सबा की जो अम्मी है उसके लिए हमने दुआ करवाई थी कि अल्लाह पाक आप उन्हें बेटा दे, क्योंकि दो बेटियां भी छोटी हैं, तो फिर बेटा होगा माशाल्लाह। ओए हसन, आज मेहंदी लगाई है, वही तेरे बाल तो सोने सोने हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। तो माशाल्लाह से कल मैंने सूट चेंज किया आप 6-7 दिन बाद, फिर आपने मुझे ना ही मुबारक दी है ना ही आप सब बहनों ने ये कहा कि अहमद भाई अच्छे लग रहे हो, किसी ने भी कोई तारीफ नहीं की है मेरी, इस वजह से फिर मैं सूट चेंज नहीं करता, पहने रखता हूँ कि तारीफ तो कोई करता नहीं है, तो उससे बेहतर है इंसान ऐसे ही एक ही सूट पहने रखे। तो आज है जी मेरे ख्याल में मंगल बुध का दिन, तो आप सबको मुबारक हो जी बुध की। और उसके बाद जो है ना अभी रूम के अंदर कोई भी नहीं है, फिर माशाल्लाह दादा जान जो है ना वो सुकून की नींद कर रहे हैं। दादा जान कहते हैं चाहे न्यू से न्यू जगह भी बना लो ना, न्यू से न्यू जगह भी हमें मिल जाए ना, फिर भी मैंने यहाँ पे सोना है, यहाँ पे जो सुकून है ना वो किसी के घर में भी नहीं है। इवें ना सही सुकून है ना माशाल्लाह, बिल्कुल ये सोता है ना, फिर जब बोलता भी है ना तो नींद में बोलता है। अभी दादा जान ने नींद में बोला, आंखें इसकी बंद थी और बूथी इसकी चुल रही थी, ये बोल रहा था, ये हंसता भी नींद में है, अभी देखिए हंस रहा है लेकिन उसको फुल नींद है, उसको कोई पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल नींद में बोल रहा है माशाल्लाह। कितनी सोना हो गया दादा जान, क्योंकि हम ना इसको रात को लगवाते हैं फेरा लगली, तो जिसकी वजह से ना अब गोरा होता जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मजीद इसको हुस्न दे जी, और वो हंस भी रहा है। अच्छा कल मैंने दादा जान से मजाक की, मैंने कहा दादा जान आपको अभी शादी कर लेनी चाहिए, कहता है इंशाल्लाह यार नसीब में हुआ तो कर लूँगा। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक खुश रखे सलामत रखे। और अम्मी जान ने माशाल्लाह मेरे ख्याल में अभी रोटी खा के जो है ना हुक्का पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जब खाना खाते हैं ना बुज़ुर्ग आपको पता है फिर उनका पेट जो है ना वो फूल सा जाता है, मतलब गैस वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से ना अभी वो अपनी गैस मार रही है। रोटी खा गई थी क्या हुक्का लाल थी? खा ली रोटी, बस रोटी खा ली अभी ना। अभी जो बनाई थी क्या सालन बनाया था? मिर्चे सबत मिर्चे वाली चटनी बनाई है। अच्छा वो तो मज़ेदार होती है ना। अच्छा वो तो मजीद टाइट हो गई होगी। हाँ सही है। तो माशाल्लाह जी आज जो है ना वो मिर्ची वगैरह पड़ी हुई थी सबस, तो उसको जो है ना सबा ने घी में तड़का शड़का लगा के मतलब टाइट मिर्ची जो है ना वो बना दी है। तो किधर है यार दिखाना, ये है जी। अभी इसके साथ जो है ना मैं भी रोटी खाऊंगा, सबा भी मेरे ख्याल में खाई है ना उसने, सबा ने नहीं खाई ये, फिर मिर्ची तो थोड़ी है कैसे खाएंगे फिर, आपने खाई है? अपने भी नहीं खाई में ये तो मेरे लिए इतनी मिर्ची तो मैं खा जाऊंगा ना, क्योंकि मिर्ची मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये पहला वक्त आया है कि माशाल्लाह से हमें मिर्ची जो है ना वो नसीब हो रही है, वरना खाने शाने बनाते होते थे, लेकिन अभी ये देखें टमाटर प्याज पड़े हुए हैं। और आटा मेरे ख्याल में ये न्यू आ गया, हमारा आटा जो है ना वो खत्म हो गया था। अभी सबा कहाँ चली गई है पता नहीं, हसन को नहलाने। अच्छा यार हसन को दमाद जलती है यार, बहुत कहने लगी मेरे को। आ गई सबा, सबो अड़ी, सबो अड़ी, क्या हाल है तेरा सबो? ओ अड़ी छोलक भी नहीं मिला, ओ किदे भाल गई है सबो? इधर होगी, ये रोज मजाक करती है, इधर अंदर रहती है, वह इधर जगह नहीं भर के, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला खाना है, इसमें अक्सर छुप के ना बैठती है। वही यार इड्डे भी कह नहीं यार, मेरी हूं आवाज भी दी है कि जी अहमद जी वे। इधर किधर चली गई थी यार? मैं बात उधर खाने में देख रहा था कपड़ों वाले, मैं अलमारी में थोड़ी घुसी बैठी थी मैं। ओ आप तो वही हो ना जो फ्रिज में छुप गई थी। कब?
एक दफा मजाक की थी आपने मेरे साथ, फ्रिज के, बड़ी फ्रिज थी हमारी वो जो दूसरे वाली, उसके खाने में बैठ गई थी आप। फिर जब मैंने खाना खोला था अंदर से लॉक हो गया था, जब फिर जब आपकी धाड़ की आवाज आई जब मैं खोला था तो माशाल्लाह आप बर्फ बनी हुई थी। फिर मैंने आपके ऊपर पानी डाला था, फिर वो ठंडा था। चलो हाँ, कैसे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से फर्क है? बहुत ज्यादा माशाल्लाह। आज काला सूट करें दे चसा, काला सूट करें दे चसा। फिर जो है ना वो सारे कपड़े गीले हो गए थे। अच्छा, फिर उस पे सारा सालन गिरा आया था, रात हसन जाने। आज माशाल्लाह लग रहा है कि मेरी सबा बैठी है। अच्छा। वरना कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यार ये सबा नहीं है, कोई और है। अच्छा हाँ जी, आज लग रहा है ना सबा है। हाँ जी आज लग रहा है। ओ भाई मुबारक, सब मुबारक। उसको पूरा तो यार एक चीज करने दिया करो ना। ओई हसन, आज मेहंदी लगाई है? ओए तेरे बाल तो सोने सोने हो गए हैं। हाय ओए मिट्टू, मैं उधर गए थे, ये मेहंदी किधर लगाई है? कैसे ऐसे हाथों से लगाई थी? ओए शतके, बाल देखें जी कितने प्यारे प्यारे हो गए। जैसे हम बचपन में बेबो जानी को लगवाती थी ना, वैसे इसको लगवा दी और बेबो जानी को भी लगवा दी। बड़ी मिन्नतें की हैं। क्या बोलता है, कुछ बोला होगा उसने? फनी ठीकियां बातें, ठीकियां लगाई हैं। मैंने कहा शायद लगा ले। फिर उसने भी जवाब यही दिया होगा कि मम्मा मुझे ठीकियां लगाने की जरूरत नहीं है। उसने, मैंने कहा आपका भैया जा रहा है गंदम आटा लेना है तो आप मेहंदी लगा लो वरना बाइक पे नहीं लेके जाएगा। कहते ना हम आटा लेने जाते हैं ना हम बाइक पे जाते हैं ना हम मेहंदी लगाते हैं। सही बात है। फिर अब अपनी नानी के घर चला गया, नानी के साथ। सही है। फिर इसको मैंने लगवा दिया। और हसन जानी ने जो है ना वो मेहंदी लगाई तो बिल्कुल बेबो की कॉपी। हसन नहीं हंसता जी, आज अपनी खेल लग रहा है। सब अभी इसको सुलाने जा रही हो या? हाँ जी। क्यों? क्यों क्या? एक बजने वाला। ये इसको नींद आ जाएगी अभी मेरे ढोलू को? ये तो भाई जा रहा है बस चुप करके, ना इसको पता। अभी इसको देखते हैं कि इसको इधर काम क्या है। मोटर का काम है। अच्छा जी, मोटर मैं कहता है ठीक कर देता हूँ आपको, उधर मार्ड उसमें लगा। मैं कहती हूँ सो जाओ, वो कोई ना कोई हरकत पे। अच्छा आपका दादा सो रहा है ना, तो उसने कहा गया उसको ना मुंह के ऊपर ना ऐसे सुलाने लग गया उसको, आपके दादा को। फिर उसने कहा मुझे मत सुलाओ मैं सो जाऊंगा, तो आप खुद सो जाओ। फिर उसके साथ में सो गया। फिर आपके दादा ने पासा पलट लिया, उसने कहा मैं उधर मुंह करके सो रहा हूँ, तो फिर जो है ना वो सो गया। फिर ये उठ गया, फिर जा रहा है अभी। अल्लाह कर पवाला, अल्लाह कर पवाला। दादा के साथ बड़ा ये माशाल्लाह से प्यार हो गया उसको दादे से। हाँ आप शुरू कर रही हो खाना? यार भूख के बुरा। आप खा लो यार, मैं बाद में खाऊंगा क्योंकि अभी ना मुझे पेट में भी दर्द है, फिर ये मिर्ची खाऊंगा फिर कोई मसला ना बन जाए। बाद में क्या खाओगे? फिर बाद में मैं, वो हंसता हुआ आ रहा है शहजादा, वो बैठ गया। जिस बहन भाइयों ने खाना है सब्ज मिर्ची के साथ तो फिर मैं उसमें जमा के खा सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी मिर्ची है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। चलें रोटी तो खा रहे हैं ना, खास करम है रब का। ये पानी आपका फुल ठंडा है, बर्फ जमी हुई है, गला खराब करोगी अपना। आ गया पानी वाला, पानी वाली मछली है ना ये। टूटी तो पवावा, ये एक ठंडा टूटी तो है पानी वाला। कितना मारे थे सर पावे थे? जैन जैन इसको डाल दो पानी टूटी से। इधर आओ, इधर उधर तत्ती तत्ती तत्ती
तत्ती जमीन है, उधर ना जाओ। मुझे दो। भैया को दो, पानी, भैया को दो। पानी दो। आ जाओ, आ जाओ। अरे बड़े 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 बड़े। अरे कन्ने दाद पड़े। ज्यादा कड़वी है क्या? वाकी? वाकी में कड़वी है। आप कह रहे थे ये तो कल्ला मैं खा जाऊंगा, ज्यादा कड़वी है, खाई नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मिर्ची के साथ जो है रोटी खा ली है, और मिर्ची के साथ रोटी खाने के बाद जो है ना वो आग लग गई है, पूरे जिस्म में आग लग गई है, और इतनी ज़्यादा ये देखें पसीना आ रहा है ना, ये देखें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अब तो मतलब एक रोटी अगर मैं मज़ीद खा लेता तो पूरे कपड़े भी जो है ना वो भीग जाते। सबा आपको वो तेरी देखो पसीना आ गया, फुल पसीना। पंखा भी नहीं चलाया ना, पंखा चला लेते तो फिर बेस्ट था, फिर हम ऐसे खाना खाने। मिर्ची जो है ना वो बगैर पंखे के खानी चाहिए, फिर फायदा भी देती है, और कहते हैं कि सबद मेरे ना फायदेमंद होती है। पहले जब हम पुराने घर में थे, न्यू व्लॉग स्टार्ट किया था, उस टाइम भी हम मिर्ची ही खाते थे, तो बिल्कुल ठीक समझ ले 3 साल के बाद अभी फिर हम जो है ना दोबारा मिर्ची स्टार्ट की है, तो खैर आदत बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। रोजाना डेली नाश्ता है, नाश्ते में मिर्ची मिलती। वाह क्या बात है, सुबह डेली सही है, क्योंकि सुबह को तो खाते नहीं, 12-1 बजे खाते हैं, दोपहर का ही हो गया। लेकिन मेरे लिए तो खाली पेट होती है ना मिर्ची। यार सबके लिए खाली है, हम भी अभी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया। तो यार दाल तो पड़ी हुई थी, वही बना लेती अल्लाह की, घी नहीं था। अच्छा ये जो कल सिवैये से थोड़ा सा निकाला था ना, वही डाला है। चलो तो दाल में भी, दाल में भी डाल सकता था। बदतमीज जी, लोडे खंदा खड़ी माशाल्लाह जी। ये थोड़ी सी हमने बचाई है, वो भी सब अभी खा रही है ना, ये फिनिश कर दोगी ना खत्म। सही है, ठंडी बोतल मंगवाए? हाँ मंदा हो गया। नहीं 27-28 तारीख को इंशाल्लाह मंगवाएंगे। कितने मंथ में? अभी 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 है जी, आज 24 तारीख है ना? नहीं, हाँ 24 है आज, बस 3 दिन सारे रह गए, 27 को इंशाल्लाह सारे इकट्ठे ले आऊंगा, जो भी पीने वाली जूस वगैरह बोतलें वगैरह सारी इंशाल्लाह। वो आपके लिए इकट्ठे ले आऊंगा, फिर आप 5-10 दिन पीती रहना, ठीक है? अब से गर्मियां स्टार्ट हुई है ना, हरियाणा रुखसाना फरजाना जनाना मर्दावा सब ने अंडे देना जो है ना वो बंद कर दिए हैं, जबकि उनको अंडे देने चाहिए, लेकिन उन्होंने बंद कर दिए अंडे देना। मेरी जूती कहाँ ये है, वो क्या क्या डालना है उनको? पानी भी दे आई थी उनके लिए, एक रोटी बनाई है, घिराया बनाऊ या ऐसे? घिराया बना के फिर डाल देना, अभी देखते हैं। पानी शानी रखा है? हाँ, पानी रखा हुआ है उधर। अच्छा कह रहे थे एक मुर्गी बीमार हुई खड़ी है। हाँ, वो जो काली गदरी है ना तितर की शक्ल वाली, काली गदरी है ना तितर की शक्ल वाली, वो अंधी हुई पड़ी है, वो अंधी हुई पड़ी है। अच्छा अल्लाह खैर करेगा, मैं उसकी दवाई ले आता हूँ फिर। दवाई भी है, ये पता है क्यों मेरे नजर में ना वो सफाई नहीं हुई ना, इस वजह से नहीं, ये कुकड़ियों को ऐसे आंधी आती रहती है। देखो अब आपने ग्रासी प्लांट को पानी नहीं दिया ना, तो ग्रासी प्लांट भी हो गया। ये रोज पानी पानी दे दे के ना, जितनी हम इन लोगों की जितनी हिफाजत करते थे ना उतनी ये वो करते थे, अब सारे पौधे होना शुरू हो गए, पानी नहीं मिला इनको। हाँ जी, वो कहते हैं आजकल कदर की कोई कीमत नहीं है। अंडे पड़े हुए हैं अंदर, अड़ी जी। अंडे पैन नहीं, अंडे का खोखला पड़ा हुआ है। ओए होए होए, एक में फेंक दिया वो लाते ऊपर रखे हुए हैं। हाँ तो फिर
क्या बात। सब आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ना पेट में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आँखों से आंसू आ रहे हैं, सारे पानी आ रहे हैं मतलब आँखों से, और उल्टियाँ भी आ गई हैं। अल्लाह खैर करेगा, मैं दवाई ले आओ, जल्दी कर यार, मेरी ना मुझे ले चल घर, मेरी अपनी तबीयत खराब हो गई है खुद फुल। चलो ना फिर आ जाओ। तेरी क्या आजो, यार अचानक हो जाता है। चलो गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्मी की तो खैर है, पेट में दर्द हो गया बहुत ज्यादा, ऐसे मूड खराब हो गया सारा, तो थोड़ा लेट जाके चलो। पानी पता नहीं क्यों आ रहा है आंखों से, क्यों आ रहा है यार, मैं गाड़ी छांव में खड़ी करनी है मुझे यार, गाड़ी यार वो ये दरवाजा खोलो और बाइक को ना उधर आगे करो उस साइड पे, मैं ना गाड़ी अंदर खड़ी कर देता हूँ, धूप में ना या शीशे फट जाएंगे या कलर खराब हो जाएगा, धूप आज बहुत ज्यादा, इसको अंदर खड़ी करते हैं। ये क्यों खोला हुआ है फ्रिज का ढक्कन सब? ये अंडे रख रहे थे। अच्छा गाड़ी की चाबी, वो कहता है मैं अंदर बैठूंगा, अंदर तो इतनी हीट होगी ना बैठा भी नहीं जाएगा, वो बंद है ना, थोड़े थोड़े शीशे हल्के डाउन कर दिया, कभी फट जाएगी। गाड़ी की चाबी मेरी जेब में होगी फिर, मेरी जेब में नहीं है, उधर ही होगी, उधर अंदर पड़ी ना हो, मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ पे देखो मेरी जगह पे। लभी है, चलो ये अंदर खड़ी कर दो आप, मुझे दो ना, मैंने गाड़ी तोड़वानी नहीं, अंदर खड़ी करवानी है यार, अंदर खड़ी कर दूंगी, तोड़ूंगी क्यों, मैं जितनी आपको प्यारी है मुझे उससे भी ज्यादा प्यारी है। वो प्यारी अपनी जगह, लेकिन एक इंसान चला सकता है ना, तो वो है ना, अभी आप खुले माहौल में चला सकती हो, खुले माहौल में चला सकती हो, इधर तो मैं कितनी मोड़े काटता हूँ आगे पीछे करके खड़ी करता हूँ। चले कोई नहीं, कभी खुले माहौल में जाएंगे ना फिर चलाऊंगी इंशाल्लाह। हीरो बदमाश बनिया मैं, तू बटन दे सारे, इसको कौन नहाए, और मस्जिद का टाइम होने वाला, फिर ये मस्जिद जाएगा। ठीक है, कैसी हो अशन, ठीक हो अशन, मेरी झोली में आ गया माशाल्लाह। वो कैमरा चला रहा है यार, कैमरा क्यों चला रहे हो यार, हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो यार, अशन जानी नाराज हो रहा है। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, काफी कमेंट्स आ रहे थे और ये मुबारकबाद दी माशाल्लाह से, सब बहन भाइयों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने कल हमने गुड न्यूज शेयर की, और सबने जो है ना वो मुबारकबाद पेश की, ऐशा वालों को भी, सभा को भी, मुझको भी, और मेरे माशाल्लाह से सौरा पाक, सास पाक, इन सबको जो है ना मुबारकबाद दी है। आप सब बहन भाइयों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला तीनों घरों में खुशियां आएंगी, और जैसे हमने आपको बोला था कि हमें अल्लाह पाक बेटी दे, और ऐशा वाले कह रहे थे हमें अल्लाह पाक बेटा दे। और सभा की जो अम्मी है उसके लिए हमने दुआ करवाई थी कि अल्लाह पाक आप हमें बेटा दे, क्योंकि दो बेटियां भी छोटी हैं, तो फिर बेटा होगा माशाल्लाह, तो उनके घर में फिर रौनक आती रहेगी, क्योंकि साहब बड़े हैं ना, तो फिर छोटे को खेल लगाएंगे। तो उसके बाद जी कह रहे थे कि अभी तो जदीद दौर है, जदीद तरीन सिस्टम है, तो अब तो पहले पता चल जाता है कि बेटी होगी या बेटा होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं ना, तो अभी हम आपको बताएं कि किसके घर बेटा होगा और किसके घर बेटी होगी, तो अभी ये हम आपको बताते चले कि अभी तक जो है ना वो ये चेकअप वगैरह नहीं करवाया कि किसके घर में बेटी होगी किसके घर में बेटा होगा, इंशाल्लाह ताला फिर प्लान बनाएंगे, फिर एक साथ ही जाएंगे सारे, सही नहीं? सही है। हाँ, क्योंकि शायद ऐशा वाले भी इधर आ रहे हैं ना, तो अगर वो इधर आ गए फिर इसकी अम्मा और ऐशा और सबा इन तीनों को एक साथ ले जाएंगे ना, एक साथ फिर पता चलेगा किसको अल्लाह पाक बेटी दे रहा है किसको बेटा दे रहा है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, करम है। बाकी ये होता है कुछ 100 में से ना 2 लोगों ने कहा कि यार पहले इतने बच्चे हैं, तो देखिए जी पहली बात ये है कि जो औरत तो ज्यादा बच्चे पैदा करती है ना, वो कहते हैं वो बगैर हिसाब किताब के इंशाल्लाह जन्नत में जाएगी। और दूसरी बात ये है कि
बच्चे जो है ना वो बंद करवाना, बच्चों को मतलब रुकवाना, ये भी एक गुनाह है ना। तो जितने अल्लाह आप देखें कि एक एक औरत को 20 साल हो गए हैं, एक घर को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो मैंने कमेंट्स पढ़ा, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, मैंने कमेंट्स पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि यार नबियों के दौर में, नबियों के 80 साल में 70 साल में माशाल्लाह से बच्चे हुए थे, ठीक है। नबियों के दौर में खुद नबियों के जो है ना वो बच्चे 70-80 साल की उम्र में हुए थे, तो क्या वो गलत तो नहीं हुआ था? नहीं। ये चीज वाजे होती है, इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह पे यकीन रखो, जिसको 30 साल भी हो गए शादी को अभी तक औलाद नहीं, तो वो फिर भी ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, 60 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी दे सकता है। ये तो रब पाक जात पाक है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। अब ऐसे लोग हैं जिनको एक एक बच्चा भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी के 36 बच्चे भी हैं, किसी के 50 बच्चे भी हैं, कोई एक बेगम से है, कोई दो दो बेगमों से है। तो बाकी ये होता है कि जो भी आता है अपने नसीब रिस्क लेकर आता है, बाकी जो है ना इसमें कोई ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, और हम अभी ये दुआ करते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह पाक उनको बच्चे दे, औलाद से नवाजे, चाहे बेटियां दे चाहे बेटे दे, लेकिन उनके घर में रौनक जो है ना वो जरूर हो, औलाद के बगैर जो है ना वो मजा नहीं आता, जिंदगी का बिल्कुल भी मजा नहीं है। अभी हमारे गोलू मोलू से है सारा दिन इनके साथ जो है ना, अब ये ना होते तो ये सोई रहती, अब है तो उनके साथ खेलना, उनके काम करना, उनको चुप कराना, कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं, कभी थकान भी खत्म हो जाती है बच्चे को, जब सारा दिन एक मसरूफ रहता है बच्चे, हाँ पता जब नहीं चलता उसको दिन का। अगर अकेला हो ना, पहले मतलब के मेरी जब न्यू शादी हुई, हमें 2-3 साल बाद अल्लाह पाक ने मतलब के औलाद से नवाजा, तो मैं सारा दिन बोर ही पड़ी रहती थी, क्योंकि हर कोई अपने काम में मसरूफ होता था, अकेले कमरे में रह जाना, मैं सोई रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा बेबो जान आया, फिर हसन जान आया, अब तो टाइम का पता ही नहीं चलता, बस सारा दिन उन्हीं से बात करते करते टाइम गुजर जाता। हाँ जी, और मुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता सारा दिन बस दिन रात में। जब बच्चे आ जाते हैं फिर बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड से बातचीत होती रहती है, और बाकी जो है ना हमने, बाकी हर किसी की अपनी सोच अपना वो होता है, हमने भी यही सोचा हुआ कि बस अल्लाह पाक अब हमें एक बेटी दे दे तो हमारी फैमिली जो है ना इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी, और दोबारा कोई हम गलती नहीं करेंगे। तो ये भी हमने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला ये एक हसन जानी हो जाएगा, एक बेबू जानी, और एक अल्लाह पाक बेटी दे दे, माशाल्लाह दो भाइयों की एक शहजादी बहन होगी, लाडली भी होगी सबकी। मैं तो दो बहनें और दो भाई, नहीं नहीं एक सब अच्छी लगेगी, हमारी तीन की फैमिली जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी, दो हम तीन हमारे बच्चे, पांच की फैमिली इतनी अच्छी लगती है ना, वो तस्वीर में फोटो भी आता है, 6 का फोटो नहीं आता, 7 का फोटो नहीं आता, कटे 5 का ना ग्रुप, 3 आगे बच्चे बैठे होते हैं, पीछे उसके मम्मा पापा खड़े होते हैं, अल्लाह की बंदी हाँ जी। तो आसान है दादी अम्मा आ गई है, हाँ ये वाली की है ये दादी अम्मा है, मेरे सोने पट्टी, आज मुझे ना इसके बाल देख के ना बेबो जानी याद आ गया, जब बचपन में बेबो जानी को हम ऐसे बाल बनवाते थे, लाल लाल वाले, पीले पीले, बेबो मेरी अंगूठी वापस करो। अच्छा उसके बाल ज्यादा हो जाते, उसके बाल ब्राउन थे, इसके बाल थोड़े काले हैं ना, हाँ वो उसके फिर मतलब कि ये देखो ना अभी अभी ब्राउन है, हो रहे हैं ये इसके ओरिजिनल ब्राउन है, ओरिजिनल जी, धूप पे भागते हैं अभी, हो रहे हैं देखना। अच्छा जब ये पैदा होते हैं ना इतनी इनके प्यारे बाल होते हैं, जैसे ये मतलब की उम्र बढ़ती जाती है, बड़े होते जाते हैं, तो वैसे इनके बाल भी जो है ना वो ब्लैक होते हैं। और दादा जान सुकून की नींद कर रहे हैं, मैं कल बैठक में सो रहा था उधर न्यू घर में, मैं गया तो जाग रहा था, मैंने कहा यार जाग क्यों रहे सो, कहते यार इधर नींद आ रही है, मच्छर जो है ना इंजेक्शन लगाते हैं, इसीलिए इधर आ जाते सोने के लिए, फिर इधर बच्चे नहीं सो रहे, ठंडे कमरे होता है, ठंडे कमरे वो ये है इनकी छत जो है ना वो 3 छते है, अब जिनकी एक छत है वो तो साफ है, इसकी है 3 छते, पहले एक गुटका लगा हुआ है, नहीं पहले वो सीमेंट होगी, फिर गुटका हो गया, फिर उसके बाद फिर मट्टी हो गई, उसके बाद फिर टाइल हो गई, टाइल के बाद फिर ये सीलिंग हो गई, ये है, फिर उसके बाद आगे धूप नहीं आ रही, आगे बरामदा आ गया है, मतलब इन कमरों को धूप होती नहीं है, ठंडी हवा है कमरे में,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये घर बहुत ज्यादा अच्छा है। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से ये घर नवाजा है, बहुत प्यारा घर है और माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब में करे तो ये तो हम इंशाल्लाह जब फुर्सत होगी ना इस घर में फिर हम टाइल वो लगवाएंगे, अंदर कमरों में भी मार्बल लगवाएंगे और कलीने निकाल देंगे और हम मार्बल पे भी सो सकते हैं। वो डेली पोचा एक लगेगा, डेली पोचा लगेगा सौ रे और इतनी ठंडा हो जाता है ना मार्बल वीआईपी अंदर वो फुल ठंडा हो जाएगा मार्बल। लेकिन जब ये है अब हम 10-15 मिनट एसी चला रहे वो तो बर्फ जम जाएगी उनमें फिर तो बना सको। ये इनकी भी सेटिंग करवाएंगे और सारों कमरों में नहीं चलो जो सोने वाले हमारे कमरे हैं ना उनमें हम मार्बल लगवा लेंगे क्योंकि ये कलीने नुकसान देती हैं। ये एक तो दम्मा होता है उसके बाद मतलब बच्चे बीमार रहते हैं खांसी का मसला होता है उसके बाद इसमें जो अभी वो निकल रहे हैं बिच्छू निकल रहे हैं कभी कुछ निकल रही है गर्मी की वजह से ना हीटिंग की वजह से। अभी तो शुरू हुई है ना गर्मियाँ फुल गर्मियों में देखना रोजाना कोई ना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बस ये कलीन निकलवा के ना इधर हम मार्बल लगवा लेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिर वो ऊंचा नहीं हो जाएगा? हाँ ऊंचा हो जाएगा तो जबरदस्त है पानी ऐसे फार करके निकल जाएगा ऊपर पंखा फिर सर को लगेगा ना ये फार वो है ये हम फर्श मतलब कर हो जाएगा ये फर्श तोड़ेंगे। अच्छा, तो ये फर्श तोड़ेंगे इसका न्यू मिसाला बनेगा उसके बाद इसका लेवल बनाएंगे उसके बाद मार्बल लगाएंगे। हाँ, मतलब आप कितनी बेशक आप नीचे रखवाना चाहो नीचे भी करवा सकते हो क्या आपकी अपनी मर्जी नहीं है इतना हो जितना ये है भाई इतना तो फिर सही है इतनी एक एक प्लेट इसको तोड़ के ना दोबारा इसको मिसाला बनाएंगे दोबारा सिर्फ दो काम करवाने हैं हमने अपने घर के। अच्छा इधर तो टाइलें भी नहीं लगी हुई आपके यहाँ तो टाइलें लगी हुई है दूसरी ये तो वो प्लास्टर हुआ लेकिन वो वाली टाइलें जो है ना वो सही नहीं होती वो वाली मिट्टी वाली टाइलें कच्ची है साफ नहीं होती कच्ची टाइलें लगवाई थी उन दोनों कमरों में है ना दोनों कमरों में टाइलें हैं और बैठक में भी टाइलें हैं बाकी में भी टाइल है रूम में है टैल रूम में भी टैल है वो दो कमरे बैठक अम्मी अबू वाले रूम में भी मार्बल लगवा देंगे और इस रूम में भी मार्बल लगा लेंगे चाट पर रखा। चले जी प्यारे बहन भाई आपसे गपशप भी होगी और सारी माशाल्लाह से जो भी बात की अभी मेरी बात रहती है मैं बता रही थी दो काम करने एक तो इसमें मार्बल लगवाना है और दूसरी बात मैं बता रही थी ये जो सारे एरे खराब हुए खड़े ना इस पे हमने दोबारा कलर या सीमेंट वगैरह नहीं लगवाना हमने उस पे टाइल लगवानी है। हाँ ये वैसे होती भी टाइल है अम्मी जान वो खड़ी टाइल लगाते हैं ये जो मार्बल होता है इसको ना खड़ा खड़ा लगाते हैं फिर ये कभी कलर खराब नहीं होता क्योंकि ये धुलते रहते हैं ना ये तो आज कलर करवाएंगे कल जैसे धोएंगे वो पानी लगेगा फिर खराब दोबारा ये सारी टाइल लगेगी एकदम खर्चा करेंगे उसको कहते हैं बॉर्डर लगाना होता है घर टोटल घर फिर वो सारा काम कंप्लीट करवा के फिर हम एकदम दोबारा से इसको न्यू कलर करवाएंगे एक ही कलर करवाएंगे अल्लाह से हाँ वो एंड जो अभी और लिया है ना जिसमें हम सभा की अम्मी अबू पहले बैठे हुए थे वो वाला घर तो काम उसका बहुत ज्यादा है उसका काम करवाएंगे इंशाल्लाह। दो ढाई मंथ करवाना वो बना हुआ ना पाने वो जब जगह बन गई ना हाँ, वो भी बड़ी जबरदस्त जगह उसका बरामदा बड़ा जबरदस्त होगा उसका जो है ना सारी चीजें बड़ी बेहतरीन कमरे मेरे घर में एक तो वो घर सबसे ऊंचा है ऊंचा घर और इतनी हवा लगती है ना उधर बहुत ज्यादा उधर से सारा वीरान है ना झाड़ियाँ वगैरह नहीं है बिल्कुल लाइनों के साथ है हवा वगैरह इतना अच्छी लगती है सिर्फ ये है सड़क की थोड़ी सफाई चलो बेहतरीन जगह हो जाएगी। तो चलें जी प्यारे बहन भाइयों अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें हमें दो में याद रखें पाकिस्तान जिंदाबाद साबिन भाई जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।